पति ने एक खौफनाक वारदात को दिया अंजाम, अपनी ही पत्नी को टंगिया से वार कर उतार दिया मौत के घाट। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की जा रही है। इतना ही नहीं, हत्यारे पति ने जघन्य अपराध को अंजाम देने के बाद खुद ही मामले की सूचना पुलिस को दी। इसके बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, मकान को सील किया, आरोपी को हिरासत में लिया। पुलिस के अनुसार पत्नी मंजीता श्रीवास के साथ हत्यारे पति का आए दिन विवाद होता था। वारदात के पहले भी दोनों के बीच खाना परोसने से मना करने को लेकर जमकर विवाद हुआ था। रात 10:30 बजे भोड़ीपारा के डमरूधर श्रीवास ने चौकी उपस्थित जाकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि इसके रिश्ते के साली योगेंद्र श्रीवास नाम के व्यक्ति के साथ कुहरिया नर्सरी पारा में शादी होकर आई हुई है। दोनों के बीच दो बच्चे हैं, एक लड़की एक लड़का। शादी के बाद से दोनों पति पत्नी में अक्सर विवाद होते रहता था। कई बार सामाजिक रीति रिवाज उनको समझाया भी गया, कई बार सामाजिक बैठक हुआ, आसपास के मोहल्ले वालों ने भी बैठक कर समझाया था। उसके बाद से भी आए दिन झगड़ा विवाद दोनों पति पत्नी के बीच में होते रहता था। कल आरोपी योगेंद्र श्रीवास प्राइवेट नर्सिंग होम में कंपाउंडर काम करके आया घर 7:30 बजे और खाना मांगने की बात को लेकर दोनों पति पत्नी में नोकझोंक हुआ। तो आवेश में आके आरोपी योगेंद्र श्रीवास ने अपने घर के रखे धारदार लोहे के टांगे से मृतका उसकी पत्नी के सिर में कई बार वार किया है, जिस मौके पर उसकी मृत्यु हो गई थी। सूचना पर धारा 302 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना किया जा रहा है। शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, न्यायिक रिमांड लिया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट।